शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रा शहर और परिसर में लगातार बिजली गुल होने की समस्या आम हो चुकी है। इस समस्या का ठिकरा बिजली विभाग के अभियंता और कर्मचारियों पर फोड़ा जाता है। हालांकि 33 किलोवाट सबस्टेशन की देखभाल और तकनीकी सुधार में जारी लापरवाही भी इसका एक अहम कारण है। बीते कई दिनों से शहर भर में बिजली आपूर्ति में जारी दिक्कतों से जनता जूझ रही है। शहर के ज्यादातर इलाकों में सुबह शाम और अक्सर रात के वक्त कमोबेश तौर पे बिजली आपूर्ति लगातार खंडित हो रही है। इस समस्या के चलते बिजली ग्राहकों का रोष ज्यादातर विभाग के अभियंता सहित कर्मचारियों पर फूट रहा है। इस संदर्भ में बिजली ग्राहकों ने बिजली विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी समस्याओं का बखान किया। कहना यही है कि जो कि स्ट्रीट लाइट है रात के टाइम पे बंद रहते हैं, और अभी फिलहाल मौसम बारिश का है और गार्डिंग है ना बार बार टूट जाती है, और पार्किंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। घर में हर रोज़ एक दो घंटे लाइन जाती है। हमारा यही कहना है कि भाई जो MECB के अधिकारी लोग हैं उन्होंने मोतीनगर परिसर पर अमल बजावनी करना चाहिए लाइन के ऊपर, और मोतीनगर की समस्या हल करके देना चाहिए। कई ग्राहक ऐसे भी है जो लगातार बीते 2 सालों से इस समस्या से बार बार अपनी शिकायतें बिजली विभाग के सुपुर्द करते आ रहे हैं, पर शहर में अपर्याप्त बिजली कर्मचारी होने से संबंधित समस्या सुलझाने में काफी समय बीत जाता है, जिस पर बिजली विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। के जो अधिकारी है कर्मचारी है वो कम होने की वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मैं कितने करीबन 2.5 साल से MECB के ऑफिस में एप्लीकेशन कर चुका हूँ। हमारे मोतीनगर के लोग हैं जैसे सैयद सोनू है, सैयद हुसैन है, मोहम्मद मोहिन है, ये काफ़ी लोग हम जाकर घोड़े साहब हो गए जो यहाँ के कर्मचारी है उनको जाकर मिल चुके, पर उनका बोलना है कि हमारे पास में स्टाफ कम है, हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे, पर कभी भी फ़ोन लगाए तो घंटा दो घंटे के बाद ही हमारे को उसका रीज़न मिलता है और हमारी समस्या घंटे दो घंटे के बाद में हल होती है। लाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसा सोनू ने बताया गार्डन वगैरह का प्रॉब्लम है, तो बार बार हवा आने की वजह से यहाँ पे तार एक में कुछ चिपक जाते हैं, उससे शॉर्ट सर्किट होता है। इन समस्याओं के संदर्भ में जब इनबीसीएन टीम ने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि शहर में बिजली आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों से ज्यादा स्थानीय सबस्टेशन की देखभाल और सबस्टेशन के उपकरणों के सुधार में बरती जा रही लापरवाही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। मालूम हो कि जिले में महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनी के पुसत विभाग के तहत आने वाले दिग्रस शहर के 33 किलोवाट सबस्टेशन की देखभाल में खामियां होने से दिग्रस शहर तथा परिसर के बिजली ग्राहकों को बिजली आपूर्ति में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से पता चला कि दिग्रस सबस्टेशन के ब्रेकर्स में बिगाड़ की वजह से बगैर रुकावट के बिजली आपूर्ति करने में दिक्कतें पेश आ रही है। गौरतलब है कि समस्याओं से निजात पाने के उद्देश्य से दिग्रस महावितरण कार्यालय द्वारा पुसद विभाग के कार्यकारी अभियंता को जानकारी साझा की, लेकिन अब तक सुधार होता नजर नहीं आ रहा। दिग्रस सबस्टेशन में आइसोलेटर जल जाने के कारण वायर क्रिम्पिंग के साथ ही कंडक्टर के टूटने से बार बार बिजली खंडित होने की बात उजागर हुई है। इसके अलावा शहर में कई जगहों पर इलेक्ट्रिक के खंभों पर कॉपर वायर होने से कई बार खास तौर पे बरसात के दिनों में खंभों पे लगे एल्यूमिनियम के वायर और कॉपर वायर के होने से कोरोजन होने यानी कार्बन चढ़ने से बिजली आपूर्ति पर इसका परिणाम विभिन्न इलाकों में 1 DP पे पड़ने वाले भार को देखते हुए वैकल्पिक तौर पे अतिरिक्त DP लगाकर 1 फेज को 3 फेज में तब्दील करने, एयर ब्रेक स्विच लगाने और 2 खंभों के बीच झूल रहे बिजली तारों को कसने सहित सबस्टेशन की देखभाल नियमित रूप से की जाए तो बहुत हद तक बिजली आपूर्ति में जारी रुकावटों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। जब भी लाइन जाती है, लाइन बिजली की समस्या होती है, तो आम जनता को उनके जहन में ये रहता है कि ये इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो अधिकारी है इनका इन पर उनका गुस्सा आता है। लेकिन एक्चुअल में हमने जब इसकी माहिती निकाली, जानकारी निकाली, पता चला कि पूरा प्रॉब्लम सबस्टेशन से हो रहा है। सबस्टेशन पर और जनता की, हमारे सब लोगों की मांग ये है कि सबस्टेशन पर जो प्रॉब्लम्स है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, पहले तो लॉकडाउन ही है और उसमें भी लोगों को तकलीफ होने की वजह से, तो जल्द से जल्द वो उसके सुधार करे और लोगों को राहत दे उसमें। बिजली विभाग
विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शहर के बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर गौर करते हुए जल्द से जल्द सबस्टेशन की खामियों को दूर करने की जरूरत है। हालांकि सूत्रों के अनुसार दिग्रस 33 किलो वैट सबस्टेशन की बिजली उपकरणों के विभिन्न तकनीकी बिगाड़ के बावजूद भी दिग्रस बिजली विभाग द्वारा काफी हद तक बिजली के तारों को कसने, दो तारों के बीच स्पेयर्स लगाने, केबल और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ठीक करने के अलावा जरूरत के हिसाब से ट्री कटिंग जैसे प्री मेंटेनेंस के काम बड़े पैमाने पर किए गए। यही वजह है कि जहां पिछले साल प्रतिदिन 200 के करीब बिजली आपूर्ति की समस्याएं दर्ज होती थी, उसी संख्या में घटकर अब प्रतिदिन 30 के आसपास हो चुकी है। इसके अलावा दिग्रस शहर और परिसर के बिजली ग्राहकों के लिए महावितरण कार्यालय ने 7875763194 यह मोबाइल नंबर भी जारी कर बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए ग्राहकों से आह्वान किया, जिस पर ग्राहक अपना नाम, ग्राहक क्रमांक और पता टाइप कर मैसेज भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।